लॉकडाउन के बाद नरमी कर दी गई। आज से कारोबारी मराकज रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत। औकात काम बढ़ने पर शहरों की ताजिर बराबरी खुश। दफातरों में 50% स्टाफ के साथ काम होगा। कारोबारी सरगर्मियां बहाल होते ही बैंक भी खुल गए। बैंक सुबह 9 से 1:30 बजे तक साथियों को सहूलियात फराहम करेंगे। शहर में कोरोना की तीसरी जानलेवा लहर के बाद जारी। मूजी वायरस मजीद 23 जिंदगियां निकल गया। मजीद 713 नए मरीजों की तस्दीक। अस्पताल में कोरोना के मजमुई तौर पर 753 मरीज दाखिल। उधर थाना हरबंसपुरा में तायुनात हवलदार कोरोना से इंतकाल कर गया। तीस साल से ज्यादा उम्र के अफराद कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान। एनसीओसी ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से वैक्सीन का ऐलान किया। 30 साल से ज्यादा उम्र के तमाम नौजवानों को वैक्सीन की तलकीन। शहरी रजिस्ट्रेशन के लिए 1166 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। एनसीओसी की हिदायत। लाहौर में रिश्वत लेकर लोगों को वैक्सीन लगाने का इंकशाफ। लाहौर के वैक्सीन सेंटर में पैसे लेकर वैक्सीन लगाई जाती रही। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के 18 मुलाजमीन धंधे में मुलव्वस निकले। हेल्थ अथॉरिटी ने 18 मुलाजमीन की मौतली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चार यौम में बगैर मास्क ड्राइविंग पर 1474 गाड़ियों मोटरसाइकिलों के चालान। कोरोना की तीसरी लहर में 2,81,000 गाड़ियों के चालान हुए। ट्रांसपोर्ट में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 78 मुकदमा का इंदराज। कोरोना वबा से बचाव के लिए लाहौर पुलिस ऑपरेशन विंग के इकदाम। गुजश्ता रोज एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 146 अफराद गिरफ्तार। 76 मुकदमा दर्ज। वज़ीर-ए-आला पंजाब की काबीना कौमी खजाने को महंगी पड़ने लगी। वज़ीर-ए-आला के मुशीर वजीरों के अखराजात में 25% तक इजाफा। नए माली साल में वज़रा के अखराजात के लिए बजट में इजाफा होगा। रवां साल वज़रा और मशीरों के अखराजात के लिए 19 करोड़ रखे गए थे। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन एक बार फिर सरगर्म। पावर शो का फैसला। ग्रुप अराकीन का आम इजलास कल बुला लिया। कौमी और सूबाई असम्बली के अराकीन और वज़रा शरीक होंगे। नए अराकीन भी आएंगे। इजलास में वज़ीर आज़म के वादे का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ के लिए एक और बुरी खबर। विफाक ने मियां शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल कर लिया। नैब की सिफारिश पर काबीना ने नाम ECL में डाला। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत ना देने का मामला। शहबाज शरीफ ने हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अमजद परवेज आसम नजीर ताहर की वसात से दरख्वास्त दायर की गई। अदालती हुक्म के बावजूद शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोक दिया गया। दरख्वास्त गुजार का मौके शहबाज शरीफ ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए मुतफारिक दरख्वास्त भी दायर कर दी। साबिक वजीर राना सनाउल्ला के खिलाफ मुनशियात केस की समाअत। साबिक वजीर राना सनाउल्ला इंसदादी मुनशियात अदालत पेश हुए। जज के ना होने के बाद राना सनाउल्ला पर पर्दे जुर्म आयद ना हो सकी। ड्यूटी जज खालिद बशीर ने समाअत 19 जून तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत में मातिनियात के गैर कानूनी ठेके के रेफरेंस की समाअत। सत्तैन खान अदालत पेश हो गए। मुलजम अरशद वहीद के पेश ना होने पर इश्तिहारी करार देने का फैसला। जज ना होने के बाद समाअत 19 जून तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट और मातहत अदालतें तातीलात के बाद खुल गईं। हाईकोर्ट में वकला और सालिम की तादाद इंतहाई कम। अदालत आलिया में छुट्टी का समा। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रवा हफ्ते मुकदमा की समाअत नहीं होगी। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान समेत 36 जजेस आज से ताहुकमिस्तानी प्रिंसिपल सीट पर समाअत करेंगे।
ज्यादती का शिकार 11 साल बच्ची इंसाफ के लिए सेशन अदालत पहुंच गई। सबा बीबी और उसकी 11 साल बच्ची अदालत में पेश हुई। 11 साल बच्ची को कजन ने ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजम एजाज की दरख्वास्त जमानत खारिज की जाए, खातून की इस्तेदा। अदालत ने पुलिस से 24 मई को तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। सुई नॉर्थर्न गैस कंपनी हरबंसपुरा दफ्तर में करप्शन का एक और स्कैंडल। शोभा सेल्स के मुलाजमीन ने मिली भगत करके डिमांड नोटिस का इजरा किया। मुलाजमीन ने मुबैना तौर पर भारी रिश्वत लेकर कनेक्शन की मंजूरी दी। दफ्तर इंचार्ज ने सार्फ के डिमांड नोटिस की सिफारिश की थी। भारी रिश्वत लेकर डिमांड नोटिस का इजरा होने पर तहकीकात का आगाज कर दिया। स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए 60 टीमें तश्कील दे दी गई। टीमों में 10 डेप्टी डीईओज और 50 एईओज शामिल। टीमें तहसील और मरकज की सतह पर मॉनिटरिंग करेंगी। स्कूलों में तलबा और असातिज़ा को बुलवाने की कतन इजाजत नहीं होगी। असातिज़ा के तबादलों पर से पाबंदी उठाने का मामला। एजुकेशन अथॉरिटी को तबादलों के लिए 1500 से ज्यादा की दरख्वास्तें मौसूल। तस्दीक के लिए गवर्नमेंट पायलट स्कूल वाहदत रोड में सेंटर कायम। मुंतखब असातिज़ा दरख्वास्तों की तस्दीक 20 मई तक करवा सकेंगे। महकमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन के प्रोसिक्यूटर्स का स्पेशल अलाउंस बढ़ा दिया गया। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर का महाना स्पेशल अलाउंस 45,000 होगा। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर का महाना स्पेशल अलाउंस 55,000 रुपये होगा। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का महाना अलाउंस 85,000 रुपये कर दिया गया। और शहर में धूप निकलने से दर्जा हरारत बढ़ गया। आज दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की रवा हफ्ते बारिश की पेशगोई। असातिज़ा के तबादलों पर से पाबंदी उठाने का मामला। एजुकेशन अथॉरिटी को तबादलों के लिए 1500 से ज्यादा की दरख्वास्तें मौसूल। तस्दीक के लिए गवर्नमेंट पायलट स्कूल वाहदत रोड में सेंटर कायम। मुंतखब असातिज़ा दरख्वास्तों की तस्दीक 20 मई तक करवा सकेंगे। महकमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन के प्रोसिक्यूटर्स का स्पेशल अलाउंस बढ़ा दिया गया। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर का महाना स्पेशल अलाउंस 45,000 होगा। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर का महाना स्पेशल अलाउंस 55,000 रुपये होगा। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का महाना अलाउंस 85,000 रुपये कर दिया गया। और शहर में धूप निकलने से दर्जा हरारत बढ़ गया। आज दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की रवा हफ्ते बारिश की पेशगोई।